योग जो शब्द है आप सभी जानते हैं कि बहुत प्राचीन है। हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न अर्थों में योग का प्रयोग किया गया है। सामान्य अर्थ में आप सभी जानते हैं कि योग का तात्पर्य होता है मिलन। आध्यात्मिक अर्थ में योग का तात्पर्य होता है परमात्मा से मिलन। तो योग की यह सामान्य परिभाषा आप सभी जानते हैं कि योग का तात्पर्य है परमात्मा से मिलन। वह मार्ग जो हमें परमात्मा से मिलाता है उसे हम लोग योग कहते हैं। यह जिस पर हम लोग चिंतन करेंगे, पूज्यपाद स्वामी जी जिस ग्रंथ पर वक्तव्य देंगे उसमें, उसे हम राजयोग के नाम से भी जानते हैं, उसे राजयोग भी कहा जाता है। राजयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार का राजमार्ग है। किसी भी स्थान पर जैसे पहुंचने के अनेक मार्ग होते हैं, अनेक मार्गों से एक ही स्थान पर पहुंचा जा सकता है, तो मैं बता रहा था कि किसी भी स्थान पर पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के भी बहुत से मार्ग हैं। बहुत से मार्गों द्वारा व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। एक पुष्पदंत कवि हैं, पुष्पदंत ऋषि हैं, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं। शिव माहिम स्तोत्र में उनका एक बहुत सुंदर स्तोत्र आता है जहाँ पर वे कहते हैं, रुचि नाम वैचित्रात ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणीय। अर्थात जैसे भिन्न भिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर अंत में एक ही सागर में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे मार्गों से जाने वाले लोग अंत में तुझको ही प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि इस आत्म साक्षात्कार के अनेक मार्ग हैं, टेढ़े मेढ़े सीधे बहुत से मार्ग हैं, और यह जो योग का मार्ग है वह राजमार्ग है, और इसलिए इसको राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण योग के संबंध में बताते हैं कि ये राजर्षियों का है। योग गीता को आप देखेंगे तो चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इमं विवश्वते लोकम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवश्वान मनवे प्राह मुन ऋच्छ्वा करे ब्रवी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो शाश्वत प्राचीन जो योग है उसको मैंने पहले विवश्वत को बताया, विवश्वत ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। और इस प्रकार से यह परंपरा से यह जो योग है वह राजर्षियों ने जाना। तो योग की साधना से व्यक्ति राजर्षि बन सकता है। राजर्षि का तात्पर्य क्या है? शारीरिक दृष्टि शक्ति अत्यंत सक्षम हो और उसका जो चित्त है वो चित्त ऋषियों की भांति अविचलित हो, ऋषियों की भांति प्रशांत हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको राजर्षियों ने जाना। सकाले नेह महता योगो नष्टो मरम तपा। काल के प्रभाव से यह जो लोक यह योग है इस दुनिया में लुप्त प्राय हो गया था, तो उस योग को मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, इसलिए इस योग मार्ग को मैं बता रहा हूँ। तो योग जो है वह प्राचीन समय में राजर्षियों के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे शरीर अत्यधिक स्वस्थ बलिष्ठ होता था और मन ऋषियों की भांति एकाग्र होता था, जो परिस्थितियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता था। जिस पतंजलि के हम योग शास्त्र का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वह योग शास्त्र अपने आप में विलक्षण है। ईसा के लगभग 2 शताब्दी पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों का निर्माण किया और फिर इस योग सूत्रों को निर्माण करके एक उन्होंने दार्शनिक मतवाद की स्थापना की, दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना की, और फिर इसे एक सुदृढ़ वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया। इस योग की विशेषता यह है कि यह अन्य दार्शनिक सिद्धांतों की भांति खंडन मंडन की परंपरा पर विश्वास नहीं करता। वह अपने बात को अत्यंत संक्षेप में, सूत्र रूप में,
वैज्ञानिक तरीके से वह अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। इस योग की विशेषता यह है कि इसके नियमानुसार अभ्यास करने से इसके प्रत्येक चरण का आप अनुभव कर सकते हैं, इसके प्रत्येक चरण को आप प्रतिपादित कर सकते हैं, इसके प्रत्येक चरण का आप आख्यान कर सकते हैं। यह अपने आप में पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यह जो योग है वो मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। अभी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से हम लोगों ने सुना कि यह जो योग है वह मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। जब तक वृत्तियों में चंचलपन रहेगा तब तक योग की साधना नहीं हो सकती। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये योग की जो बातें हैं, महर्षि पतंजलि ने कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। जो उपनिषदों में, जो ऋग्वेदों में, जो गीता में जो साहित्य है उसी साहित्य को लेकर उन्होंने योग सूत्रों का निर्माण किया। गीता के 6वें अध्याय में ध्यान के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं उनकी बहुत सी बातें योग सूत्र में साम्य रखती हैं, पतंजलि के योग सूत्र में साम्य रखती हैं। तो यह जैसे महाराज ने बताया चित्त निग्रह की प्रक्रिया है। कठोपनिषद में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया हुआ है। कठोपनिषद में तो बहुत से सुंदर श्लोक हैं, जो योग के विद्यार्थी कुछ पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, पर इस श्लोक का जो सौंदर्य है वो बिल्कुल अलग है। वहां कहा गया है परांच खानी व्यतृणत स्वयंभु तस्मात परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान इच्छत आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन। जो अमृतत्व की चाह कर रहा है वह बैठा हुआ है और उसकी इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर निरंतर भटक रही हैं। तो जब तक बाह्य विषयों की ओर इंद्रियां भटक रही हैं तब तक उसको योग की अनुभूति नहीं होगी, और तब वह जो अमृतत्व का इच्छुक जो साधक है उस अमृतत्व को पाने के लिए अपनी बाह्य इंद्रियों को बलपूर्वक उन्होंने अंतर्मुखी किया, और जब उनकी बाह्य इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तब वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो यह योग हमको अमृतत्व की प्राप्ति करना सिखाता है। एक बार योग की उपलब्धि होने से जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह हमको एकत्व की अनुभूति करना सिखलाता है। मनोदैहिक दृष्टि से हम सब अलग अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, पर अष्टांग योग का पालन करते हुए यदि प्रत्येक सोपान पर जब आगे बढ़ते हुए जब आप समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं तब समाधि की स्थिति में ये जो व्यक्तिगत विभेद है वह नष्ट हो जाता है और वहाँ एकत्व की अनुभूति होती है। वहाँ फिर अलग अलग व्यक्तियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वहाँ फिर अनुभूति होती है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही देव है जो सभी जीवों में व्याप्त है। वहाँ ऋषि को अनुभूति होती है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत त्याम जगत, यह जो सारा जगत है वह ईश्वर से आवेष्टित है। तो यह योग है वह एकत्व की अनुभूति कराता है। यह हमें केवल आत्मानुभूति के लिए सक्षम नहीं कराता, वह हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, एक कुशल कार्मिक बनने के लिए हमको प्रेरित करता है। योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है, आप योग का अभ्यास करेंगे तो कार्यों में आपको कुशलता आएगी। तो यह जो योग है हमें व्यावहारिक जीवन में भी सफलता प्रदान कराता है। और एक अंतिम बात जो छोटी सी जो मैं बोलना चाहता हूँ, पहले किसी न किसी रूप में बोल दिया गया है, आजकल योग का जो मतलब है वो आसन और प्राणायाम से ही लिया जा रहा है। आसन और प्राणायाम तो आवश्यक हैं, इनसे लाभ होता है, करना चाहिए, पर योग यहीं तक नहीं है। योग की पूर्ण सिद्धि तब आपको प्राप्त होगी जब आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और जब समाधि की स्थिति में तब पहुंचेंगे तब योग की पूर्णता होगी। आजकल योग को हेल्थ टेक्निक के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, ये सब अच्छी बातें हैं, पर इसके साथ हमें योग के मूल तत्व को जीवन में स्वीकार करना है और उस अंतिम लक्ष्य समाधि को प्राप्त करना है, तभी जो योग का उद्देश्य है पूर्ण होगा। और पूज्यपाद स्वामी जी के दिव्य सत्संग में हम लोग अब योग के इन विविध विधाओं को जानेंगे। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।
और जो सूचनाएं मैंने दी आपको उन सूचना